भतीजा, माफ कर दो रे, गलती से बोला गया था, आप नहीं बोलेंगे भतीजा। अच्छा, हम आपका गा... बोलेंगे गलती से मरा गया है तो आप माफ कर दीजिएगा, बोलिए ना माफ कर दीजिएगा। अरे भतीजा, हम उतना अंदर तक थोड़ी ना गए थे, हम तो खाली ये ना बोले थे कि तोर मौसी को देंगे। अरे थोड़ी ना दिए थे हमारा पीछे पड़ल है। अच्छा रुकिए ना, आप पहले बताते हैं। हो झूलन भाई, हो बचा लो, हमार सांड हमारे पीछे पड़ल है। भतीजा क्या हुआ रे, काला जीजा के पीछे पड़ल है? आओ झूलन जा, ये हमार मौसी के बार बार गाली देते रहते हैं। अरे कौन गाली देता है? झूलन भाई, इतनी को गाली दिलिए, यहाँ भड़क गए हैं। कौन इतना गाली दिया है? अरे कहलिए कि तोहर मौसी के दो। अरे बाप रे बाप, इतना गाली है तोरा मौसी के दो, इतने बड़का गाली दे दिया है? अरे देना ही देता, मारे दरगाह गाली है। की करे भतीजा, माफ कर दे चाचा तो हाथ। चाचा के इतना इतना अधिकार है तोर मौसी के गाली देवे के? ई तो खाली गालिये देके छोड़ दल के, हम रहते डायरेक्ट छदिए देतिए। झूलन चा मार साला के झूला मार साला, हम माल के बारे में ऐसे बोलेगा, मतलब कि तोर मौसी के बारे में ऐसे बोलेगा, मार साला के, मार 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 साला कहीं का। छोड़ दे भतीजा, हो गेले जो साला साला, हमरा रहते हुए तोर मौसी के दोसर देतो, मतलब कि छेड़ देतो साला, केना हमर साली है ना रे, तोर मौसी चल। चाचा आप हमर मौसी के बारे में गंदा गंदा बात नहीं बोलिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, तो भतीजा आज से तोर माई के बारे में बोलेंगे। साइकिल का ब्रेक फेल हो गया है साला, ऐसा जगह मारा है कि एक मौसी को हम ठीक से ले नहीं पाएंगे। सॉरी भतीजा सॉरी, ले मौसी को दे दिया। अरे साला इतने घरवाल घरवाल किधर जाते रही ना? आओ चाचा, हमको ना सरकारी नौकरी लग गया है, ये बात पापा को कहने जा रहे थे। अरे तू तो कहीं बाहर पढ़े लिखे भी नहीं गया था, ये तो सरकारी नौकरी कैसे लग गया रे? अरे दोस्त, हम अड्डा 24/7 पर तैयारी करते थे। अरे ये अड्डा 24/7 क्या है? अरे दोस्त, अड्डा 24/7 किसी भी सरकारी नौकरी लाइक UPSC, SSC टीचिंग और बिहार स्टेट लाइक बिहार SSC बिहार सिविल कोड का तैयारी कराया जाता है फोन के माध्यम से, सिर्फ एक ऐप के द्वारा। यहाँ तुम हिंदी इंग्लिश के अलावा 10 और भाषा में तैयारी कर सकता है। अरे मैं टीचर और क्लास कैसा रहता है? अरे दोस्त, यहाँ पे सब कंटेंट और क्लास लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहता है, और यहाँ के एक्सपर्ट टीचर हैं, और यहाँ फ्री में मॉक टेस्ट और क्यूज अवेलेबल रहता है, और रेगुलर जॉब अलर्ट और करंट अफेयर भी हमेशा उपलब्ध रहता है इस ऐप पर एकदम फ्री में। अरे इसमें बैच कैसे चलता है? अरे दोस्त, सभी बैच में सब सब्जेक्ट कवर किया जाता है स्टडी प्लान के साथ, और यहाँ पे लाइव क्लास में मॉक टेस्ट भी कराया जाता है लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पर। अरे वाह, और यहाँ के स्टूडेंट का सिलेक्शन रेट भी हाई रहता है, और लाइव क्लास में ई बुक मॉक टेस्ट और प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल रहता है। भाई गवर्नमेंट जॉब मतलब अड्डा 24/7। हाँ भाई, तो जाओ तुम भी जाके तैयारी करो। ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है चाचा, निकलते हैं। ठीक ठीक, निकलो निकलो, आप ब्रेक बनवा लेना रे आज से, साला अगला बार ना ठोक देना। मार ले ना चाचा, हम सब नहीं पीते हैं। ए तोरा मौसी के ब्यूटी पार्लर जैसे हम जानवे नहीं करते हैं। उस दिन बगीचा में छोड़ा सा के साथे गट गट कौन मार रहा था? पी रहे थे चक्कर वाला। हट चाचा, साले हो, अब पी ले भतीजा, ना कहेंगे तोर बाप को, पी ले सच में। हाँ चाचा, एक पैक बनाइए। अच्छा ले ले ले, मार। अरे मार 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 चाचा, एक पैक और बनाइए, हम डर रहे थे कहीं आप हमारे बाप को न कह दे, इसीलिए उस समय से नहीं बोल रहे थे। अरे हमको लग रहा था साला, ले ले पी। चाचा ये कहिए, लेकिन मजा आ गया। मजा आया ना? हाँ चाचा, बहुत मजा आया। तो भतीजा आज तक ये वाला मजा लिया है कि नहीं? चाचा छोरा से एक बार बगीचे में लेके आया था, लोड करके ठक ठक पेरे में ना मार दिए थे। अरे साला, ओरिजिनल बंदूक ना, तू अपन बंदूक से कभी फायरिंग किया है कि ना? ये वाला बंदूक चाचा एक बार किए थे बाथरूम में। ओ भांचोद,
अरे साला मतलब कि केकरो साथ मिलजुल के किया है किया थे ना दीचा दो सब के साथ है। अरे कह रहे हैं कि कोई लड़की के साथ मिल के अरे चाचा अभी तक कहाँ किए हैं एगो गल्लो फ्रेंड है जो अभी तक सटने नहीं दी है। अच्छा अच्छा आप अपने बंदूक से अभी तक कितने बार फायरिंग किया है? अरे भतीजा अपन बंदूक से तो बहुत बार फायरिंग किया बहुत बार लेकिन आज तक साला सटीक निशाना नहीं लगा। मतलब मतलब ये कि एक बार की बात है तोर मौसी हमारे यहाँ नया नया आई थी बहुत हम प्रयत्न किए बहुत प्रयत्न किए बहुत प्रयत्न किए लेने का तब जाकर तोहर मौसी मानी। जैसे ही मानी कि हम अपन बंदूक निकाले लोड उड किए फायरिंग करने ही वाले थे कि बीच में तोहर माए आ गई फायरिंग तोहर माए पर हो गया। उस दिन हमरा से बहुत बड़का गलती हो गया था भतीजा वो गलती का नतीजा आज हमरा सामने बैठल है। क्या चाचा? अरे कुछ ना भतीजा तू नहीं समझेगा। अच्छा एक बात बोल आप किसी को नहीं ना कहिएगा? ना 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 कहेंगे भतीजा बोल बोल बोल। एक बार हमारा फायरिंग करने का मन किया तो हम अपन गर्लफ्रेंड को मकई के खेत में बुलाए जैसे ही फायरिंग करने वाले थे तो उलटमा के बेटा ना है उछला हमको पकड़ लिया। अच्छा कहने लगा पैसा देना तो हल्ला कर देंगे पूरा गांव में। अच्छा तो क्या किया पैसा दिया? तो क्या करते चाचा 200 रुपया दिए तो छोड़ दिया। बाग मा भतीजा तो मकई में काहे लगाया था? तो कहाँ जाते? अरे लड़की के घरे चल जाता। बाग चाचा घरे जाते कहीं पकड़ लेता तो बाग मा भतीजा हम कितना के घर में घुस के कर दिया आज तक नहीं पकड़ा है मुंह जाप देते थे घर से आवाज बाहर नहीं जाता था। तू हमरा दादा चल ठीक ना सब काम करवा देंगे ओकरा घर में घुस के। सही में चाचा? हाँ चल हमरा जाते ठीक है चलिए चल चल दिखाते हैं आज हम अपन कमाल एक्सपीरियंस ना रे 25 साल में। ठीक है चाचा चल चल हेल्प साहब अरे बाप रे मां। देख भतीजा लड़की के घर के अंदर जाने से पहले 3 बात को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी होता है। पहला बात कि लड़की के घर के अंदर जाने से पहले आस पास देख लेना चाहिए कि हमको तो कोई देख नहीं ना रहा है तब घुसना चाहिए। और दूसरा बात लड़की को हमेशा पीछे से घर के पीछे से घर के पिछला दरवाजा से घुसना चाहिए ताकि भागने उगने में दिक्कत ना हो। और तीसरा बात लेने से पहले मुंह पर हाथ धकर लेना चाहिए ताकि आवाज़ ना निकले ठीक ना। सबसे ज़्यादा लोग इसी में गलती करते हैं जाते हैं लगाना चालू कर देते हैं जोश जोश में और वो आवाज़ निकलता है सब सुन लेता है पकड़ा जाता है और मारपीट खा जाता है समझा। हम तो कितना बार तुम्हारे माँ के सामने तुम्हारे मौजी के मुँह पर हाथ धक के हिला दिए। चाचा देख भतीजा भड़केगा तो हम नहीं जाएंगे हम जा रहे हैं। अच्छा चाचा चाचा कहाँ भड़क रहे हैं चलिए ना। हाँ तब चल तो तोहर माँ के सामने में तोहर मौसी सुतल थी मुंह पर हाथ धरे अब बस हिलाना चालू कर देते कि बस तोहर माँ को पते नहीं लगता था। भतीजा आराम से लोहा के गेट है आवाज कर जाएगा इतनी आराम से चारों तरफ देखते चलना। ठीक है चाचा। कौन रूम में रहती है? अगला परंडा वाला रूम में रहती है। चल चल आराम से खोल आराम से चल। चाचा यह रूम है जो जो छक्का पर छक्का मारना बेटा जो आशीर्वाद दीजिए चाचा जो सादा भूकते रहो बेटा जो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज हमको बहुत लेने का मन कर रहा था इसलिए आए हैं। अरे माधर भोसर पप्पू ये तो साला पूरा हमारे पर गया है। हाँ बबू की चाचा आज ही यहाँ कथी कर रहे हो? अरे हमर घर है तो हम तो यहाँ रहबे ना करबे तू यहाँ की करे छे से ना बोल। सुने है कि आप घर में टाइल्स उस लगवाए हैं केने लगवाए हैं टाइल्स? लैट्रिन में लगवाए हैं चल दिखा दे छे चल। चलिए चाचा हो गया। अरे तुम्हार बेटी के रूम में कथी कर रहा था रे? कते वाला बाबूजी ई छोरा बउवा के रूम में घुस के पता ना कथी कर रहा था? आ देखिए आई में हमर कोई गलती नहीं है सब ई हमर भतीजवा की गलती है। ई भतीजवा है ना हमर आपकी बेटी से प्यार करता है तो यह हियां चल आया था तो हम एकरे खोजते खोजते हियां तक चल आए। साला पूरा समाज के नाम बदनाम कर के रख देगा बहुत। आ जा झूठ के
आए थे, बोले थे सब काम हो जाएगा। अरे साला तो फुल दिन है, साला मार के फाड़ के मुंह लाल कर देंगे साला। चल घर आई तोरा हम बताते हैं साला, चल। रे बउआ सा मुंह को दिले कैसे मार दूं चाचा भतीजा के। अरे बाप रे, कोई बात ना भतीजा, मार खेले तो खेले मजा ले लेना। अच्छा ठीक है, था आगी ना। हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आना। ठीक ठीक। रे माधर भोसर पप्पू, नामो गमैले मजो न ले ले। वाह साला, तू हमर नस्ल नहीं हो सकता है। काठी गुर्रा जी, चल चुपचाप। माधर गांडू चल। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। और एक बात, हम लोगों का कॉमेडी सॉन्ग आ रहा है, लगातार आ रहा है। अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो चैनल का नेम है बीसी म्यूजिक, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सॉन्ग सुनिए, बताइए सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा। अभी जस्ट आया है 2-4 को, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए बीसी म्यूजिक और सुनिए गाना। और दोस्तों, अड्डा 24/7 पे बिग सिलेक्शन डे चल रहा है, जहां पर आपको मिल सकता है 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप बिना टेस्ट दिए हुए, और 75% तक का फ्लैट ऑफ ऑन महा पैकेज एंड लाइव क्लास। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।